कांग्रेस के दिवंगत दिग्गज नेता ओमान चंडी के बेटे चांडी ओमन ने शुक्रवार को उपचुनाव में 36,000 से ज्यादा वोटों के अंतर से केरल की पुथुपल्ली विधानसभा सीट पर जीत दर्ज की। ओमन चांडी के निधन से खाली हुई इस सीट के लिए 5 सितंबर को मतदान हुआ था, जिसमें चांडी ओमन ने बेहतरीन जीत दर्ज की है। चांडी ओमन के करियर की बात करें तो मार्च 1986 में कोट्टायम के पुथुपल्ली में जन्मे चांडी ओमन ने 1992 में लोयोला स्कूल से अपनी स्कूली शिक्षा पूरी की, फिर नई दिल्ली के सेंट स्टीफन कॉलेज से बीए और एमए की पढ़ाई की। 2006 और 2007 के बीच में चांडी ओमन कॉलेज छात्र संघ के अध्यक्ष रहे। पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद चांडी ने 2015-16 में दिल्ली यूनिवर्सिटी से एलएलबी और बेंगलुरु के क्राइस्ट यूनिवर्सिटी से संवैधानिक कानून में एलएलएम किया। 2016 के लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में समर कोर्स पूरा करने के बाद चांडी ओमन ने नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी नई दिल्ली में अपना एलएलएम पूरा किया। चांडी ओमन एक प्रैक्टिसिंग वकील है। एमिटी यूनिवर्सिटी और विवेकानंद इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज दिल्ली में सहायक संकाय के रूप में काम करते हैं। चांडी ओमन अपने कॉलेज के दिनों से ही कांग्रेस के संगठनात्मक ढांचे का हिस्सा रहे हैं। फिलहाल वो युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय आउटरीच सेल के अध्यक्ष और केरल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदस्य हैं। चांडी ओमन 2013 में युवा कांग्रेस के राज्य सचिव थे। उन्होंने कन्याकुमारी से कश्मीर तक राहुल गांधी के नेतृत्व वाली भारत जोड़ो यात्रा में भी हिस्सा लिया था, लेकिन पिता की बीमारी के कारण उन्हें पदयात्रा बीच में ही छोड़नी पड़ी थी। आपको बता दें कि पुथुपल्ली विधानसभा के उपचुनाव में कांग्रेस नेता और पूर्व मुख्यमंत्री ओमान चंडी की मौत के कारण उनके बेटे चांडी ओमन को मैदान में उतारा गया था, जबकि सीपीएम के युवा नेता जैक सी थॉमस को एलडीएफ का उम्मीदवार बनाया गया था। बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए ने लिजिन लाल को मैदान में उतारा था, जबकि पहली बार आम आदमी पार्टी ने ल्यूक को अपने उम्मीदवार के तौर पर चुनावी मैदान में मौका दिया। लेकिन इस चुनाव में चांडी ओमन ने रिकॉर्ड जीत दर्ज की। इससे पहले पूर्व सीएम ओमन चंडी ने साल 2011 में सीपीएम के सुजान जॉर्ज के खिलाफ 33,255 वोटों के अंतर से जीत हासिल की थी। अब पूरे 11 सालों के बाद ओमन चंडी के बेटे चांडी ओमन ने पुराने रिकॉर्ड को तोड़ते हुए 36,454 वोटों से जीत दर्ज की है। पुथुपल्ली विधानसभा उपचुनाव के लिए कुल 182 बूथों पर वोट पड़े थे। इस साल उपचुनाव में 72.91% मतदान हुआ, जो पिछली बार की अपेक्षा 5% कम है। 2021 के उपचुनाव में ओमन चंडी के पक्ष में 63,372 वोट पड़े थे। वहीं दूसरे नंबर पर जैक सुसान जॉर्ज 54,328 वोटों के साथ रहे थे, जबकि बीजेपी के एन हरी को महज 11,694 वोट ही मिले थे। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़24।